वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी साइड प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी साइड की कंप्लीट तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 60 डेज मास्टर क्लास के डे 27 को कवर करेंगे, जिसमें कि नंबर सीरीज का पहला क्लास होगा, है ना। इससे पहले हम लोगों ने 26 क्लास कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप यहाँ पर संपर्क करके पैड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। अब हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज। देखिए, की पॉइंट टू टैकल नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के बारे में आपको बता दें, नंबर सीरीज ना ये पूरी तरीके से कैलकुलेशन का टेस्ट है। आपका कैलकुलेशन कितना बढ़िया है ये नंबर सीरीज में क्लियर होगा, ठीक। अगर आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है, अच्छा कैलकुलेशन है, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। अगर आपके कैलकुलेशन में दिक्कत है तो नंबर सीरीज आपको काफ़ी समस्या में डालेगा। तो नंबर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूँगा, आप इसको सुझाव मान लीजिए या फिर अपनी तैयारी का हिस्सा। देखिए, आपको ना टेबल्स को कम से कम 25 तक याद करके रखना है, आपको 25 तक पहाड़ा 100% याद होना चाहिए। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि नंबर सीरीज में मैथ्स के या फिर रीजनिंग के अन्य विषयों में भी आपकी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त आपको स्क्वायर 40 तक याद होना चाहिए और क्यूब भी आप 20 तक याद कर लीजिएगा। ये कम से कम का डेटा है, इसके बाद आप जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। देखिए, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे कि नंबर सीरीज में किस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहला जो टाइप है, इसमें डिफरेंस पैटर्न मिलता है। डिफरेंस मतलब आपको नंबर दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं। देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए, यहाँ पे दो दो का डिफरेंस है ना, तो ये डिफरेंस आप फाइंड आउट करेंगे। अब जो डिफरेंस रहेगा उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब दूसरा पैटर्न आता है डबल डिफरेंस पैटर्न। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, ये एक नहीं दो रहेगा। तो डिफरेंस पैटर्न और डबल डिफरेंस पैटर्न क्या होता है, इसको चलिए हम समझते हैं आगे कुछ क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, अब इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश किया जाए। देखिए, यहाँ पे 1 से 3 आ रहा है, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 2, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखिए, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह आपको फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 का गैप है ना, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का गैप है, फिर आगे बढ़ेंगे 2 का गैप है, वापस से 2 का गैप है, और यहाँ पे देखिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपको दिख रहा है कि 2-2 का गैप चल रहा है, इसका मतलब 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये एकदम स्टार्ट था, एकदम छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, है ना। चलिए देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि ये सरल क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ये आपको आगे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, 110, 120, 140, 170, 210। जब भी आपको क्वेश्चन मिले ना, डिफरेंस बहुत छोटे छोटे हो, तो आपको हमेशा क्या करना है, जोड़ या घटाने पर जाना है। देखिए, 110 में 10 जुड़ा, 20 आ गया, है ना, 10 प्लस हो रहा है। वापस देखिए, 120 से 140 में 20 प्लस हो रहा है ना, 140 से 170 में 30 प्लस हो रहा है, 170 से 210 तक जाएंगे तो 40 प्लस हो रहा है। अब आपको एक सीरीज दिख रहा है कि 10, 20, 30, 40, आगे क्या प्लस हो जाएगा, आगे 50 प्लस हो जाएगा। जैसे 50 प्लस करेंगे, 250 और 210 और 50, 260 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभी ये सीखने वाला पैटर्न है, तो मैंने आपके सामने ऑप्शन नहीं दिया है, हम लोग क्वेश्चन सीधा सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन के साथ आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ये भी डिफरेंस पैटर्न का एक क्वेश्चन है। डिफरेंस कितने का है, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं अंतर बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है कि गुणा हो पाए, तो डिफरेंस निकालते हैं। 14 में 4 जुड़ा है ना, 18 और 9 27 हो जाएगा, 27 और 16 43 हो जाएगा, 43 और 25 68 हो जाएगा, 68 और 36 104 हो जाएगा, 104 और 49 153 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आएगा, है ना। देखिए, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे, 4, 9, 16, 25, 36, 49 आपको दिख रहा होगा। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है ना, वापस से 7 का स्क्वायर है, और फिर यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर मतलब 64, है ना। 153 में आप 64 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 और ये आपका आ जाएगा 21। 217 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, ये डिफरेंस पैटर्न से कैसे क्वेश्चंस को हल करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला देखिए आप सॉरी इसके बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 33 से 39, 6 का डिफरेंस है ना, 39 से 57 आपको दिख रहा होगा ये 6, यहाँ पे 18 का डिफरेंस है ना। देखिए 57 से 87 30 का डिफरेंस है, 87 से 129 यहाँ पे 13, 29 42 का डिफरेंस है ना। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस आप निकाल नहीं सकते, यहाँ पे निकाल नहीं सकते। तो देखिए इसमें आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे आप डबल डिफरेंस पे आइएगा 12 का है, ठीक है, वापस से डबल डिफरेंस 12 का है ना, फिर से डबल डिफरेंस 12 का है, इसका मतलब यहाँ पर भी डबल डिफरेंस 12 का होगा। जैसे 12 का डिफरेंस रखेंगे यहाँ पे 42 में 12 जोड़ेंगे 54 आ जाएगा, 129 और 54 है ना, 129 और 54 आपको जोड़ना है। देखिए 129 में 54 जब जोड़ेंगे 9 4 13 एक हासिल है, 12 5 17 1 18 है ना, 183 यहाँ पर आएगा है ना। ये क्वेश्चन इसमें कुछ डेटा मिसिंग है ना, 183 अगर यहाँ पे रुके एक बार हम लोग और देख लेते हैं है ना, 129 54 मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क ये 100 ये आगे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा, 183 यहाँ पे आ गया है ना। देखिए 183 होता फिर इसके बाद का डेटा आप निकाल लेते है ना, 54 में फिर से 12 जोड़ देते, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस है, ये डबल डिफरेंस का क्वेश्चन था, या फिर मान के चलिए 183 यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, 183 यहाँ पे नहीं रहेगा, 183 यहीं पर आंसर आएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, 9 से 20 हो गया 11 का डिफरेंस है ना, फिर देखिए 20 से 35 हो गया 15 का डिफरेंस है, 35 से 59 हो गया आप यहाँ पर देखेंगे तो 24 का डिफरेंस है ना, इसके बाद यहाँ पे 99 हो गया मतलब 40 का डिफरेंस है, ठीक। अभी आपको कुछ नहीं देख रहा है, आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है ना, 4 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे 9 का डिफरेंस है, यहाँ पे 16 का डिफरेंस है। देखिए डबल डिफरेंस से यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा कुछ पता चल रहा है, 2 के स्क्वायर का डबल डिफरेंस है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे ही 40 में देखिए आप 40 में 25 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 65 आ जाएगा, और 65 को जोड़ेंगे 99 में तो 164 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये डबल डिफरेंस के क्वेश्चन कैसे होंगे ये भी हम लोगों ने कुछ सीख लिया है। चलिए और टाइप की बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलेंगे। देखो अभी हम लोगों ने डिफरेंस की बात किया, डिफरेंस के अलावा ना पेपर में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन का भी पैटर्न देता है। वो पैटर्न क्या होता है, देखिए या एक से मल्टीप्लाई करेगा या भाग करेगा, फिर 2 3 4 मतलब ये बढ़ते क्रम में रहेगा। यही चीज़ ना रिवर्स घटते क्रम में भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं आपको बता दें, ये 5 4 3 2 1 है ना, ये घटते क्रम में भी हो सकते हैं। वापस देखिए 0.5 1 1.5 2 2.5 है ना, ये भी ऐसे रिवर्स क्रम में हो सकता है। और ये देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 हो गया, 2 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 मतलब डबल हो रहा है। तो इन सब पैटर्न में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो सकता है। इसके अलावा और क्या क्या पैटर्न हमको पेपर में मिल सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए पेपर में आपको स्क्वायर या क्यूब का पैटर्न मिल सकता है, तो अब स्क्वायर या क्यूब आपको याद रहेगा तो आप अच्छे से फाइंड कर लेंगे। अब फिबोनाची सीरीज मिलेगा, ये क्या होता है, देखिए फिबोनाची का मतलब ये होता है ना, जैसे ए यहाँ पे बी यहाँ पे सी यहाँ पे डी, तो देखिए जो ए आपका ए है ना, अब ए और बी मिल करके सी बनाएगा, बी और सी मिल करके डी बनाएगा, डी सी और डी मिल करके आगे का आंसर बनाएगा। रुके मैं इसको थोड़ा और सही से लिखता हूँ, देखिए ए है बी है सी है डी है ई है, देखिए ए और बी मिलेगा तो सी मिलेगा, ठीक, बी और सी को जोड़ेंगे तो डी मिलेगा, सी और डी को जोड़ेंगे तो ई मिलेगा। तो ये फिबोनाची सीरीज होती है, आगे हम लोग क्वेश्चन के साथ देखेंगे। और अल्टरनेट पैटर्न कहने का मतलब है कि सब कुछ जितना बचा है सब इसमें आ जाएगा। देखिए अल्टरनेट का मतलब यहाँ पे गैप दे दे करके, ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें और भी कई प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये कुछ पैटर्न की बात हम लोगों ने की है। अब चलिए क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं और एक एक को हल करते हुए चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 10 वापस से 10 15 30 75 225 है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो गैप बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे आपका 30 से सीधा 75 हो गया, 225 हो गया, इसका मतलब मल्टीप्लाई का कोई गेम है। तो देखिए मल्टीप्लाई ट्राई करके देखते, देखिए यहाँ पे 10 × 1 है मतलब 1 का मल्टीप्लाई कराया गया है ना। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे 10 से 15 हो गया मतलब 1.5 का गुणा किया गया, 15 से 30 हो गया मतलब 2 का गुणा किया गया है ना, 30 × 60 और 75 मतलब 2.5 का गुणा किया गया, और यहाँ पे 3 का गुणा किया गया। देखिए इतना हो गया, तो अब आपको सीरीज दिख रहा है कि 1 1.5 2 2.5 3 तो आगे आएगा 3.5 है ना। अब 3.5 का मल्टीप्लाई कराना है 225 में, तो 225 3.5 को आप 7/2 लिख सकते हैं है ना, तो 7/2 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा 1400, ठीक है, 25 × 7 = 175, 1575, अब
1575 को 2 से भाग करना है, 2 से भाग कर लीजिएगा, है ना, तो आपको मिल जाएगा 750 1500 में, और 75 की बात करेंगे 37.5, है ना, तो इसको आप जोड़ लेंगे 7875, है ना, तो 787.5। अब यहाँ पे जो आंसर लिखेंगे आप, है ना, इसको मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 787.5 इस क्वेश्चन, है ना। चलिए देखिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, 1, 6, 13। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये 5 आ गया, मतलब इसका डिफरेंस 5 है, है ना, इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो 7 है, है ना, वापस से इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो 11 का डिफरेंस है, है ना, फिर यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा आपको मिलेगा ये 17 का डिफरेंस है, है ना, 17 के बाद देखिए अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 5, 7, 11, 17, है ना, यहाँ पे कुछ सीरीज नहीं पता चल रहा है तो डबल डिफरेंस पे आएगी, देखिए 5, 2 का डबल डिफरेंस है ना, 4 का डबल डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डबल डिफरेंस है, तो वापस 8 का डबल डिफरेंस हो जाएगा, 17 और 8 25 हो जाएगा, 25 में आप 41 जोड़ेंगे, तो जैसे ही 25 और 41 को जोड़ेंगे 5, 1, 6 और 6, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 66। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है, देखिए 4 है ना, 16, 64, 256, 1024। अब इन क्वेश्चन में देखिए क्या पैटर्न हमको दिख रहा है, 4 को अगर आप देखेंगे तो इस आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इंटू 4 है, मतलब 4 से गुणा किया गया है, 4 चौका 16, है ना, आप देखो 16 चौका 64, है ना, 64 चौका 256, 256 चौका 1024, फिर वापस से 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे आप तो आपको मिल जाएगा 4000 और 24 चौका 96। एक तरीका तो ये हो सकता है, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है उसको देखिए, देखिए एक तरीका मिल गया, दूसरा तरीका क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 का स्क्वायर आएगा, और 64 का स्क्वायर कितना होता है, 4096। तो आपके पास दोनों ऑप्शन था, आप जिन ऑप्शन के साथ इसको देखना चाहे आप उस ऑप्शन के साथ देख सकते हैं। ठीक, चल अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए यहाँ पे 2 से 3 हो गया, है ना, 3 से 6 हो गया, 6 से 15 हो गया, 15 से 45 हो गया, देखिए आप देखेंगे ना तो नंबर लास्ट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई का खेल है। देखिए यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई हुआ, 3 आ गया, वापस से 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 6 आ गया, फिर 2.5 का मल्टीप्लाई हुआ, 15 आ गया, है ना, 3 का मल्टीप्लाई हो गया, 45 आ गया, अब मतलब 3.5 का मल्टीप्लाई होगा, 45 × 3.5 मतलब 7/2, है ना, तो 45 यहाँ पे देखिए काट देंगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक, 20 × 7 = 140, है ना, और 2.5 मतलब 17.5, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 157.5, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पे 1 है, 1 से 4, 27, 16, 125, 36, 343। आप अगर स्क्वायर और क्यूब के खेल को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब, ये है 2 का स्क्वायर, यहाँ पर है 3 का क्यूब, ये है 4 का स्क्वायर, यहाँ पर है 5 का क्यूब, ये 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, मतलब 64 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक से पैटर्न है। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए 18, 21, 16, 23, 14 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देखिए आप अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे ना तो अल्टरनेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए 18 में यहाँ पे -2 है, ठीक, 16 में -2 है, ठीक, इधर देखिएगा 21 में +2 है, तो 23 में भी क्या होगा, +2 होगा, तो 23 और 2 = 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए कुछ ऐसा है, 11 से 6 बन गया, फिर 6 से 7, 7 से 12, 12 से 26, मतलब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, क्या हो सकता है, देखिए 11 का आधा किया गया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, 5.5 आ गया, इसमें 5 जोड़ दिया गया, 6 आ गया, इसको मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। देखिए 11 था, 0.5 से इसमें गुणा किया गया, है ना, 11 में 0.5 से गुणा किया गया और प्लस में 0.5 जोड़ा गया, ठीक, अब यहाँ पे 6 आ गया, 6 में 1 से गुणा किया गया, प्लस 1 जोड़ा गया, है ना, अब यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 में 1.5 से गुणा करेंगे, प्लस 1.5 जोड़ेंगे, ये 10.5 और 12 हो जाएगा, इसमें फिर देखिए 12 में 2 का गुणा करके 2 जोड़ा गया, तो अब इसके बाद 26 में 2.5 का गुणा करके 2.5 जोड़ेंगे, देखिए 26 2.5 का गुणा का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2, है ना, इसका गुणा हो जाएगा, 13×5 = 65 इसका आंसर आ जाएगा, और 65 में 2.5 जोड़ेंगे तो 67.5, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 67.5, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया गया, देखिए 18 से 3 जुड़ा 21 हो गया है ना, 21 से यहाँ पे 9 जुड़ गया है ना, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 27 जुड़ा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे 81 जुड़ा हुआ दिख रहा है। अब आपको पैटर्न पता चल गया होगा, देखिए जैसे आप डिफरेंस निकाल लेंगे ना आपको पैटर्न झलकने लगेगा, आप आराम से पैटर्न को पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 1 है, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, मतलब 3 का पावर 5 है ना। 3 का पावर 5 आप करेंगे आएगा आंसर 243, 243 और 138 को जोड़ना है ना, 8 3 11, 4 3 7 1 8 और 2 1 3, यहाँ पे 381 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ये दिया है, देखते हैं क्वेश्चन क्या। देखिए 1728, 1331, 1729 और यहाँ पे 521 है ना, 729 यहाँ पे 521 नहीं 512 होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का पैटर्न एकदम साफ साफ दिख रहा है। देखिए 12 का क्यूब, 11 का क्यूब, 10 का क्यूब, 9 का क्यूब, 8 का क्यूब, आगे 7 का क्यूब, मतलब 343 होगा है ना। ये छोटी सी टाइपिंग की मिस्टेक रही है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिए 1023, 1155, 1295 और 1443 क्वेश्चन मार्क। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर के एकदम पास पास है, ये 32 का स्क्वायर होता है 1024, मतलब 32 का स्क्वायर माइनस एक है ना, 34 का स्क्वायर होता है 1156, मतलब 34 का स्क्वायर माइनस एक है ना, 36 का स्क्वायर होता है 1296, 36 का स्क्वायर माइनस एक, ठीक, 38 का स्क्वायर होता है कितना 1444, तो 38 का स्क्वायर माइनस एक। तो अब और आगे देखिए 32, 34, 36, 38, तो आगे क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस एक, 40 के स्क्वायर 1600, 1600 में से एक गया तो 1599 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ ये रहा, 1 से 3 हो गया, 3 से 18 हो गया है ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो क्या सीरीज चल रहा है, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 बार किया गया है ना, यहाँ पे 6 का गुणा है, यहाँ पे 9 का गुणा है, इसका मतलब 3, 6, 9 सीरीज मिल गया, आगे 12 का गुणा होगा, तो 162 गुणे 12। अब देखिए 12 का गुणा कैसे कराना है, 162 में 10 का गुणा कराइए, 1620 हो जाएगा, फिर 2 से गुणा करा देना, 4 और 16 दूना 32 है ना, यहाँ पे 1944 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा आपका 1944। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कुछ ये रहा है ना, क्वेश्चन ऐसे दिया गया, देखिए 12, ठीक है 12 के बाद 18, 18 के बाद 14, 20, 16 क्वेश्चन मार्क 18 है ना। आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टरनेट चल रहा है, देखिए 12 से 2 जुड़ा 14 हो गया है ना, 14 में 2 जुड़ा 16 हो गया, 16 में 2 जुड़ा कितना हो गया 18 हो गया है ना, तो 2 जोड़ा गया, अब इधर देखिए 18 में 2 जुड़ा 20 हो गया है ना, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 22। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिए आप अगर देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा है ना, गुड़े 2 है ना, गुड़े 3, गुड़े 4, गुड़े 5, गुड़े 6 और यहाँ पे गुड़े 7 कर लेंगे है ना, ये चीज है। तो देखिए जब 7 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 720 और गुड़े 7 है ना, 20 7 140, 7 7 49 और 140 है ना, 5040, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है आपको इस क्वेश्चन में ऐसा दिखा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज और दिख रहा है, देखिए क्या दिख रहा है, एक फैक्टोरियल है ना, इसका मान होता है 1 है ना, 2 फैक्टोरियल इसका मान होता है 2, 3 फैक्टोरियल इसका मान होता है 3, 4 फैक्टोरियल इसका सॉरी 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 है ना, 4 फैक्टोरियल 24 है ना, इसके बाद 5 फैक्टोरियल 120 है ना, तो हमको ये दिखा था, तो आप जिस भी तरीके से करिए बस आपका आंसर मैच करना चाहिए। ठीक चलिए तो देखिए अब यहाँ पे और भी आगे बढ़ते हैं, अब आपको बता दें कि नंबर सीरीज की अगर बात करेंगे ना, देखिए नंबर सीरीज ये पूरी तरीके से इस बात पे निर्भर है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है ना, ये पूरा कैलकुलेशन का एक टेस्ट होता है, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आपकी नंबर सीरीज परफेक्ट है, और कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है तो आप कैलकुलेशन पे काम कीजिए। ठीक है तो अभी आज पहली क्लास थी, हम लोगों ने बेसिक सीखा है ना, इसके बाद हम लोग 2-3 क्लास ना लगातार प्रैक्टिस करेंगे, जिससे नंबर सीरीज में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं होगी।